नज्मों, नगमों और गजलों के बादशाह जगजीत सिंह। जगजीत सिंह, जिनका जन्म 8 फरवरी 1941 श्रीगंगानगर में हुआ। राजस्थान के श्रीगंगानगर में ही जगजीत सिंह की पढ़ाई हुई, लेकिन साथ ही साथ संगीत की तालीम भी जारी रही। उनके गुरु पंडित शटल लाल शर्मा से जगजीत सिंह ने तकरीबन 2 साल तक गंगानगर में ही संगीत की पढ़ाई मुकम्मल की। ये बात बहुत ज्यादा हैरान नहीं करती कि गजलों के बादशाह जगजीत सिंह की शास्त्रीय संगीत में भी काफी दिलचस्पी थी। भले वो ख्याल हो, ठुमरी हो या ध्रुपद, इन सभी में जगजीत सिंह एक्सपर्ट थे। सन 1965 में जगजीत सिंह ने मुंबई की तरफ रुख किया। दिल में ख्वाहिश थी कि या तो वो एक म्यूजिशियन बनेंगे या फिर एक सिंगर। शुरुआती दौर में जगजीत सिंह एड्स के लिए जिंगल्स गाया करते थे। वहाँ पर उनकी मुलाकात चित्रा सिंह से हुई। हालांकि ये दोनों नहीं जानते थे कि ये जन्म जन्म का साथ निभाने वाले हैं और पति पत्नी बन जाएंगे। जब जगजीत सिंह ने गजल गायकी की शुरुआत करना चाही तो पहले से ही बहुत ज्यादा कलाकार इस क्षेत्र में थे, चाहे वो बेगम अख्तर हो, नूरजहां, मेहंदी हसन हो या फिर तलत महमूद। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जगजीत सिंह ने गजल गायकी को और भी ज्यादा सिंपल बनाने की कोशिश की, लेकिन गजल के फॉर्मेट को उन्होंने कभी नहीं छेड़ा। जीत सिंह की आहिस्ता आहिस्ता नज़में और गजलें पब्लिक के दिलो दिमाग पर चढ़ने लगी, और वो वक्त दूर नहीं था जब जगजीत सिंह गजल गायकी के बेताज बादशाह बनने जा रहे थे। जब उन्होंने फिल्मों के लिए गाना शुरू किया, फिल्म गायकी का एक नया आयाम ऑडियंस के सामने लाकर रख दिया, चाहे वो फिल्म साथ साथ के गाने हो या फिर अर्थ के। लेकिन सबसे ज्यादा पॉपुलैरिटी मिर्जा गालिब की नस्लों और गजलों को गाकर जगजीत सिंह को मिली। ये टेलीविजन सीरियल जगजीत सिंह के दोस्त गुलजार ने प्रोड्यूस और डायरेक्ट किया था, जिसका म्यूजिक डायरेक्शन जगजीत सिंह ने खुद किया था। चित्रा सिंह और जगजीत सिंह की आवाज ने गालिब की गजलों को एक नया अंदाज दिया। आहिस्ता आहिस्ता जगजीत सिंह ने फिल्मों से किनारा किया, लेकिन प्राइवेट एल्बम्स में जगजीत सिंह का नाम खूब रोशन हुआ। जगजीत सिंह की जो भी बड़े अजीम शायरों के साथ बनी, चाहे वो जावेद अख्तर हो, गुलजार हो या फिर निदा फाजली, सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि विदेश में भी जगजीत सिंह के कॉन्सर्ट्स बहुत पसंद किए जाते थे। जगजीत सिंह और चित्रा सिंह की जिंदगी में खतरनाक मोड़ तब आया जब उनका इकलौता 20 साल का बेटा विवेक एक कार एक्सीडेंट में मारा गया। इस हादसे के बाद चित्रा सिंह ने गाना बंद कर दिया, लेकिन जगजीत सिंह टूटे दिल के साथ दुनिया का सामना करते रहे और अपनी नज़मों से, गजलों से हमारा दिल बहलाते रहे।